यही है ग्राम फुदनीडी जो सामने में मकान दिख रहा है, और ये नगर निगम के अंतर्गत है जो 14 में आया है, और उसी समय से यहाँ को जोड़ने के लिए चीराचार जो 1 किलोमीटर मुश्किल से है उसको जोड़ देने से इन लोगों को 5 किलोमीटर जो आना जाना होता था वह नहीं होगा। और इसी में गांव में दिक्कत हुई एक जो दूसरे जगह सब स्टेशन बनाने में विरोध हुआ, तो फिर हम लोगों को कहा गया तो हम यहाँ इंजाम किए, और ग्रामीणों को जो दिक्कत थी अब बात था तो उसको भी समाधान करके हम लोगों ने किया। फिर पावर जो टावर है वाटर टावर, इसमें की ज़मीन जो चाहिए था 20 में, ये भी हम लोगों ने उसको क्लियर किया, जिससे कि चीराचास या अगल बगल के गांव में जो दिक्कत है थी बिजली की, वो समस्या का समाधान हो गया। और लेकिन नगर निगम सरकार प्रशासन और एमपी साहब करवाए थे, वो एक जोड़िया नाला पर पुल का सैंक्शन हुआ था, लेकिन वो कुछ ज़मीन वाले जो ये थे 200-400 फीट वो हो गया, जबकि 1 किलोमीटर फ्री में दिया गया है। ऐसा ज़िला में ये पहला क्षेत्र है, और यही है फुदनीडी का, और इसमें एक बहुत बड़ा बिल्डर समझ में आ रहा है जो अपना काम कर रहे हैं, और पूरे ग्रामीणों को जो रोज़गार का भी उपलब्ध होगा, और इससे रेवेन्यू भी सरकार को मिलेगा, और विकास की जो बात मोदी जी बोले हैं जो ज़मीन पर काम कीजिए तो उसका एक नमूना है। अब इसमें लगता है, उम्मीद है जब ये काम रुकेगा नहीं, सरकार की ओर से बाधा नहीं होगी। हम लोग तो इसी में अभी है, सामने में ठीक इसके इधर जो दक्षिण है वह के सिंह कॉलोनी प्रतिष्ठित है, जो सेक्टर 5 उनका है, ये सामने में एक बिल्डिंग दिख रहा है, और वहीं वास्तु विहार भी फेज 6 का एक बिल्डिंग है जो वहाँ बनाया है फेज 6 में, वो भी बहुत अच्छा है, और वही ज़मीन ये हो रही है। अब कुछ दिन में यहाँ से वहाँ तक सारे ज़मीन का लेवलिंग कर करके एक हो जाएगा, और यहाँ चीराचास से भी वो रोड जुड़ जाएगा, जो कहाँ पोल जो बिजली की ज़रूरत थी वह बिजली वहाँ पोल दे दिया गया, उसमें भी रहतों ने ग्रामीणों ने मदद की। पुनः इस आश्वासन के बाद जो कि रोड और पुल बन जाएगा, 45 लाख का प्रपोजल भी फरवरी में चला गया, जो नगर निगम के पास होने के बाद DC से चला गया, विधायक भी थे हम भी थे, और लेकिन वह अभी नहीं बन पाया है। अभी वहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड AK सिंह आए थे और उसी चीज़ को अब बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी भी जो है इसका टावर का पानी का पाइपलाइन भी जाना है, और यह इसी रोड ही से जा सकता है, तो चीराचास एरिया में बिजली और पानी का सप्लाई इन्हीं रैयती ज़मीन से जा रहा है। तो यहाँ नज़दीक रहते हुए इस एरिया में इतना सटा हुआ, शहर के सटे हुए, और ये 4 गांव ये फुदनीडी 2 पार्ट में बटा हुआ है, मूर्तिटांड इसके आगे है, गोंदीडी आगे है, नवाडी आगे है, लेकिन अगर इधर से जाना चाहें ये अपने ही गांव में एक दूसरे से, तो वहाँ का रोड नहीं है। आज तक ऐसा बहुत ही कम हम लोग देखने को मिला होगा जहाँ एक ही गांव है फुदनीडी और वहाँ दोनों के बीच में रोड नहीं है, है ना। जो अभी अगर आ जाएंगे आप तो गाड़ी उधर से उधर नहीं जा सकती है, और इतना शहर डेवलप्ड है बोकारो स्टील सिटी जो एक मिनी इंडिया कहलाता था, जो 84 में 85 में दुबे जी के समय चीफ मिनिस्टर के समय में प्लान डेवलपमेंट की बात हुई थी, फिर उपेक्षित रहा। इसी तरह से अब देखा जाए आगे चलेंगे, और अब उम्मीद है जो ये मोदी जी जो अब ग्राउंड में जाए, चूँकि बड़े से बड़े जो शहर के जो लोग हैं अब हर जगह, अमेरिका हो 43 लाख लोग चले गए गांव, यहाँ भी इंडिया में भी हम 50 दिन घूम के आए टेक समिट बेंगलोर से, वहाँ भी सब अब 2 टायर 3 टायर में अभी अपना एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टर भी चाहिए चूँकि रोज़गार है, बहुत से लोग गाँव आ गए हैं, तो सारी परिस्थिति को देखते हुए उसको रोड पानी बिजली नेटवर्क चाहिए इंटरनेट, तो इसीलिए सरकार और प्रशासन सबका पहले जय जवान जय किसान के जोश खरोश ही से जय विज्ञान को लेकर के करना होगा, नहीं तो जो क्राइसिस हुआ है क्षति ये कुछ लोगों को छोड़ के 2-4% को छोड़ करके देश में सबके रेड में है, सब क्षति मैंने लॉस में है, और इसीलिए कोई हिम्मत नहीं होती है जो कि कोई कर सके, लेकिन अब इसीलिए ज़रूरी है जो कि सब अपने आपस में मिल करके और ये करेंगे तभी यह हो पाएगा, इसीलिए आगे देखते हैं सरकार से निवेदन है।